तो दोस्तों ऑनेस्टली ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑफ रोडिंग है। मैंने इतना लंबा ऑफ रोडिंग राइड कभी नहीं किया है। अरे अरे भाई क्या कर रहा है यार। भाई देख सकते हो पूरा ट्रक चढ़ गया है डिवाइडर के ऊपर, आगे के दोनों पहिए भी इसके उखड़ गए। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा है। यहाँ पर इस बीच पे जाएंगे जहाँ पर कोई भी नहीं हो। हम आ चुके हैं 3 किलोमीटर वॉक करके, इवन कोई दिख रहा भी नहीं है। और आगे जाए तो देख सकते हो यहाँ पर है आर्मी का रियल टैंक। गाइस व्हाट्स अप, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं, राइट नाउ मैं हूँ अभी हाईवे पे, जो हाईवे जा रहा है पनवेल हाईवे पे। पता नहीं था कहाँ जा रहा हूँ, आपको ही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज आपके भाई का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज है 11 दिसंबर, अभी बज रहे सुबह के 10 बज चुके हैं। तो हम जा रहे हैं अलीबाग, जा रहे हैं अलीबाग। आज मैं आपको एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ अलीबाग के जो फेमस प्लेसेस, बीचेस, जो आज हम वहाँ पे एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। तो लिस्ट में लिख लेना है कि आज हमको क्या क्या करना है, कैसे जाना है, पूरा आपको पूरा गाइडलाइन आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लेना, अगर वीडियो मिस हो जाएगा तो आप बाद में भी देख सकते हो। ओके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं, पहले मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन कर लो, हेडफोन लगा लो और मेरे साथ डिजिटली ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, इसका नाम है ट्रैवलर बॉय उमेश। तो हम चलते हैं, आज की राइड हम करने वाले हैं हमारी हॉर्नेट के साथ, जो हम राइट ना हाईवे पे आ चुके हैं। अर्ली मॉर्निंग लेट हो रहा है इसलिए मैं पहले निकल चुका हूँ। तो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा 105 किलोमीटर हमको जाना है, इसमें ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। तो रिमेनिंग डिटेल्स है, ज़्यादा डिस्टेंस हमने मुंबई से बाहर गए नहीं, तो कैसे जाना गाइडलाइन आपको ब्लॉग में दिखा देता हूँ आपको। तो हर हर महादेव। तो दोस्तों हमने राइड शुरू कर दी है, देख सकते हो मौसम बहुत ही अच्छा है। राइड वैसे शुरू हो गई थी सुबह 9 बजे ही, 1 घंटे में हमने थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर भी कर लिया। बिकॉज टू बी ऑनेस्टली ये जो प्लान है हमारा एकदम सडनली बना था। मॉर्निंग में सब फ्रेंड्स आए, बात हुई कहाँ चलना है, तो सबने बोला अलीबाग राइड पे चलते हैं। तो ठीक है, मैंने बोला चलो आज अलीबाग राइड पे चलते हैं, बिकॉज बर्थडे व्लॉग तो शूट करना था पर कुछ अलग दिखाना है, मतलब आपके लिए कंटेंट भी होना चाहिए। तो हम जा रहे अलीबाग राइड के लिए। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि अलीबाग बीच महाराष्ट्र के वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल बीच में से एक है। मैं यहाँ पर एक दो बार आया हूँ, एक ट्रैवलिंग के लिए भी आया हूँ, एक बार कैंपिंग के लिए भी मैं आया था। तो दोस्तों हंसना मत, बट मेरा हेलमेट टूटने के कारण मैं अपने फ्रेंड का हेलमेट लेके आया हूँ। तो लास्ट ईयर हम कैंपिंग के लिए यहाँ पर आए थे, देखा था कि 2 से 3 स्कूल की पिकनिक्स भी यहाँ पर आई थी। 18 डिग्री टेम्परेचर है, बट व्यू तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। धूप भी है पर गर्मी ज़्यादा लग रही नहीं, बिकॉज हम बाइक पर है। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो स्टार्ट हो चुका है, ऑफ रोडिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। और स्पेशली इस ट्रिप के लिए मैं आया था, ऑफ रोडिंग थोड़ा मुझे एंजॉय करना था इसके लिए। तो ये जो मेन रोड है हाईवे के नीचे से जाता है, जो यहाँ आगे से राइट में जाएगा, जो डायरेक्टली अलीबाग के लिए स्ट्रेट रोड जाएगा। तो ये पूरा रोड आपको ऑफ रोडिंग ही मिलेगा, बिकॉज ये रोड का काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। बस ट्रस्ट में ऑफ रोडिंग की बात ही कुछ अलग होती है, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के टाइम पर देख सकते हो आप, बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ऑनेस्टली ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑफ रोडिंग है। मैंने इतना लंबा ऑफ रोडिंग राइड कभी नहीं किया है। अरे अरे भाई क्या कर रहा है यार। यहाँ से तो रोड बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका है। ओहो, तो ये देख सकते हो शीशाई की बस है, जो आपको मुंबई से डायरेक्टली मिलेगी अलीबाग के लिए। आप आना चाहो तो बस से भी आ सकते हो, मज़ा ही कुछ अलग आ रही है अब यहाँ।
एंटर कर चुके हैं, देख सकते हो यह है अलीबाग मार्केट। तो दोस्तों यह है अलीबाग का सबसे फेमस बीच, जो है अलीबाग बीच। तो बाइक मैंने दूर पार्क किया है बिकॉज यहाँ पर पार्किंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यहाँ पर रिजॉर्ट भी है, फैमिली के साथ इंजॉयमेंट आप कर सकते हो, होटल में आराम से व्यू देखते हुए समुद्र का। तो इस समय समुद्र में भर्ती चल रही है। तो लास्ट टाइम तो ये जो घोड़ा गाड़ी ये सब तो बहुत अंदर थे, तो हम जाएंगे सबसे पहले अब कैमल राइड करने के लिए। जब ये लास्ट टाइम देखने आया था तो मुझे एकदम असली लगा था, ऐसा लगा था कि असली टैंक लगी इसने यहाँ पर खड़ा कर दिया है कैमल राइड करने के लिए आगे। तो क्रेजी वाला हमने कैमल राइड कर लिया है। तो अब हम जाएंगे इस बीच पे जाएंगे जहाँ पर कोई भी नहीं हो, वहाँ पर दूर दूर तक जाएंगे। तो आपको दिखा देते हैं, आ चुके हैं और ये डॉट लाइन यहाँ पर मैक्सिमम कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे हम जाने वाले, जो इनका जो राउंड है यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पर हम जाएंगे। तो जब बारिश का सीजन होता है तो जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो बहुत बार आप अगर देखोगे तो मछलियाँ इसके अंदर दिख जाती हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ देख सकते हो, बट मछलियाँ नहीं है, बारीक बारीक मछली मुझे दिखे बन बड़े नहीं है, तो बड़े होते तो ज़्यादा मज़ा आता। हम आ चुके हैं 3 किलोमीटर वॉक करके, ये देख सकते हो यहाँ पर कोई नहीं है और पास है, इवन कोई दिख रहा भी नहीं है। तो और आगे जाए तो रिस्क है, तो आगे जाएंगे नहीं। तो ये देख सकते हो यहीं पे, तो हम यहीं पे अच्छे से कंटेंट शूट करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको थोड़े देर में। तो हमें घर के लिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि जैसे मैंने अभी मैप में देखा कि पनवेल के साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो जल्दी निकलेंगे नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा रात को पहुँचने के लिए घर पर। इसलिए राइट नाउ शाम के 6 बज चुके हम निकल चुके हैं अलीबाग से घर के लिए। तो गाइस अभी तक का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो और जो भी नया हो चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों शाम होने आ चुके, तो जल्दी जब निकलेंगे हम और मुंबई पहुंचेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है वहाँ पर। क्या बात है, लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं, हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है, रास्ते भी खाली है, राइड करने भी थोड़ा मज़ा आ रहा है। ये देख क्या हो गया यहाँ पे गाइस, देख सकते हो पूरा ट्रक चढ़ गया है डिवाइडर के ऊपर, आगे के दोनों पहिए भी इसके उखड़ गए, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा है यहाँ पर, सुबह हुआ है बोल रहे हैं सब। हमने पूछा, पता चला कि दोनों ड्राइवर को नींद लग गई थी इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया है, अर्ली मॉर्निंग हुआ था आज एक्सीडेंट। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए गाइस, ट्रक क्या है, ट्रक ड्राइवर्स एक ही ड्राइवर होता है, डे नाइट चलाता है, रात में भी चलाता है, मॉर्निंग में फिर उनको नींद आता है, कभी नशे में चलाते हैं, सब चीज़ों के वजह से एक्सीडेंट होता है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर ड्राइविंग कर रहे हो राइड कर रहे हो तो बड़े गाड़ी के आगे या पीछे ना चले, लेफ्ट या राइट से चले। एटलीस्ट आज के दिन तो मुझे ये एक्सीडेंट एंड ऑल नहीं देखना था, बट अब निकले तो सामने देख गया तो रुकना तो पड़ता ही। कोई नहीं, थैंक गॉड कि दोनों ड्राइवर सेफ थे। तो एक्सीडेंट देखने में आधा घंटा लगभग वेस्ट हो गया, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको मैं। An hour later. Happy birthday to you.